इस पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है? इस पुरुषोत्तम मास में हमको क्या करना चाहिए? सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और इस पुरुषोत्तम मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं। और जो 12 महीने होते हैं ना एक वर्ष में, उन 12 महीनों का कोई ना कोई देवता स्वामी होता है और इस पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी नहीं होता, कोई देवता स्वामी नहीं है इस पुरुषोत्तम मास का। तो इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास में मंगल कार्य, शुभ कार्य, पितृ कार्य वर्जित किए गए हैं। आप लोग देखते हैं कि पुरुषोत्तम मास में कोई शादी ब्याह नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण है क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी नहीं होता, इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी मंगल कार्य, शुभ कार्य, पितृ कार्य नहीं होता। तो फिर क्या होता है? ये कह लीजिए, ये पुरुषोत्तम मास भक्तों के लिए ही होता है, साधकों के लिए ही होता है, क्योंकि सांसारिक कार्य तो होते नहीं, शुभ कार्य, मंगल कार्य। तो इस मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान का भजन जो करते हैं वो करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, धार्मिक आयोजन करना चाहिए, करवाना चाहिए। वैसे तो ये तीनों चीजें कभी भी कराइए, इनका फल शुभ ही मिलेगा। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में कीर्तन भजन करने का, दान पुण्य करने का, धार्मिक आयोजन कीर्तन करवाने का, प्रवचन करवाने का, जो फल और मासों में मिलता है उससे करोड़ गुना अधिक फल पुरुषोत्तम मास में कीर्तन कराने से, प्रवचन कराने से, दान पुण्य करने से करोड़ गुना अधिक मिलता है इस मास में, पुरुषोत्तम मास में। तो हम भक्तों के लिए, साधकों के लिए ये पुरुषोत्तम मास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस पुरुषोत्तम मास में शास्त्रों में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण की और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए इस पुरुषोत्तम मास में। तो इस पुरुषोत्तम मास में हमको क्या करना चाहिए? पहला कार्य, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति रेवैनं नयति, भक्ति रेवैनं पश्यति, भक्ति रेवैनं दर्शति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसि मातृश्रुति। त्रिसत्यस्य भक्ति रेव गरीयसि नारद भक्ति दर्शन। उपासते पुरुषम ये ह कामास्ते शुक्र मे तदति वर्तन्ते धीरा मुंडकोपनिषद। तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र।
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यथा प्रकाश्यन्ते महात्मनः वेद। भागवत में भी कहा गया, पुराणों में आई है, भक्त्यामेकयाग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियसताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकामपि संभवात्। भागवत, केवल एक भक्ति से ही भगवान सुलभ है। और गीता में तो सैकड़ों श्लोकों में बताया गया, भक्त्या तुरन्नया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन। केवल एक भक्ति से देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते अरण्या चिन्तयन्तो मामे जनाः परिपासते तेषां नित्यामि उक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। गीता और रामायण में भी बताया गया, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावत भव था। कलयुग योग यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना यही कल काल न साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो राम ही सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनियो राम गुण ग्राम ही मिलहि नर भूपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा। और तुलसीदास जी डिम डिम घोष कर रहे हैं, वारि मथे वरु होई घृत सिकताते मरु तेल। चूने के पानी को मथने से कभी कोई घी नहीं निकाल सकता, यह संभव है। सिकताते मरु तेल, वारु के कणों से कोई तेल नहीं निकाल सकता, ये असंभव है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये असंभव संभव भी हो जाए लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरीय यह सिद्धांत अपेल। लेकिन बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ये अकाट सिद्धांत है। तो हम लोग को भक्ति करना है। कौन सी भक्ति करना है? प्रमुख तीन भक्ति है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ये तीन भक्ति प्रमुख है। तो पहले हमको क्या करना है? साधन भक्ति करना है। साधन भक्ति, ये जो भागवत में नवधा भक्ति बताई गई है ना, ये नवधा भक्ति में भी सबसे प्रमुख है स्मरणम। कोई भी कीजिए, बाकी जो आठ है श्रवण कीर्तन अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, बाकी जो आठ कोई भी कीजिए, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है स्मरणम। मन से ध्यान करते हुए हमको भगवान की भक्ति करना है। और उसमें हेल्प किसकी ले रही है? कीर्तन की। देखिए, अगर आप आंख बंद करके बस ये ध्यान करेंगे और मन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करेंगे मन में, या गोविंद जय जय गोपाल जय जय ये ध्यान करेंगे और मन में ये गाएंगे, तो उससे क्या होगा? घर में किचन में कोई थाली गिरी, अब आप एकांत में बैठे हैं और अभी मन तो लग नहीं रहा है भगवान के ध्यान में, तो वो जो थाली गिरी उसकी आवाज आपके कान में आई, और कान में आई तो भले ही आप कंट्रोल कर लें, भाई हम तो साधना कर रहे हैं, वो
बोलेंगे नहीं तो, लेकिन ध्यान तो बट ही जाएगा ना आपका। और ऐसा भी हो सकता है आप बोल पड़े, अरे भाई क्या हुआ, क्या टूटा, क्या फूटा। लेकिन जब आप कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ पर कीर्तन हो रहा है और किचन में कुछ गिर गिरा भी गया और ढोल मंजीरा बज रहा है, जोर जोर से सब गा रहे हैं, तो क्या हो रहा है घर में कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए ध्यान में सहायता ले लिए संकीर्तन की। जब कीर्तन होता है तो उसमें भगवान के गुणों का गान होता है, लीलाएं होती हैं। तो जब बार बार आप भगवान के गुणों का गान करेंगे, उनका नाम लेंगे, लीलाएं गाएंगे, तो भाई कुछ ना कुछ देर तो मन लगेगा ही, चिंतन होगा ही, स्वतः ही होगा। तो देखिए ये चिंतन होगा और वो बाहर का संसार बाधक नहीं बनेगा। प्रारंभ में हमारा मन बड़ा चंचल है, जैसे एक बर्तन में पानी है और उसी बर्तन में आप दूध डाल दीजिए तो क्या होगा, दूध और पानी दोनों मिल जाता है, वो अलग अलग नहीं रह सकते। उसी दूध में आप थोड़ा सा खट्टा लगा दीजिए, जामुन, और उसको एकांत में रख दीजिए तो उस दूध का दही बन जाता है, दही जम जाता है। अब उस दही को आप मथ लीजिए तो मक्खन निकल आता है। उस मक्खन को अब पानी में डालिए तो पानी मक्खन को चैलेंज करता है, अब तुम हम में मिलो तो हम तुमको जाने, अब तो हम तुम्हारी खोपड़ी पर ठहरेंगे, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे ही पहले साधना के द्वारा हमें अपने मन को मक्खन की तरह स्थिर करना होगा। तो ये साधन भक्ति से होगा।